तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब एकदम मस्त होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि जैसे कि आप अपने इंस्टाग्राम को ओपन करते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है। अगर चैट वाले ऑप्शन पे जाते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस आता है, लिखता है मैसेज योर फ्रेंड्स। ठीक है, जितना भी चैट किए रहते हो कोई एक भी नहीं दिखता है, कितना भी आप रिफ्रेश मार लो लेकिन नहीं दिखता है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन आप कैसे कर सकते हो, तो गाइस वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहेगा, वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक्स रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि इस प्रॉब्लम का आप सलूशन कैसे कर सकते हैं। तो करना क्या है गाइज, जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बताऊंगा उसी स्टेप को आपको क्या करना है, फॉलो करना है। तो करना क्या है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है। ठीक है, प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो गाइज, सर्च वाले आइकन पर जाना है। सर्च वाले आइकन पर जैसे जाएंगे इंस्टाग्राम में, आपको लिख के करना सर्च कर लेना है। जैसे इंस्टाग्राम लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो गाइज, अगर आपका इंस्टाग्राम अपडेट नहीं है, अपडेट मांगेगा तो आपको अब अपडेट कर देना है। अगर मांगता है अपडेट तो आपको क्या करना है, सीधे सिंपली क्या करना है, इंस्टाग्राम को अपडेट कर देना है। जैसे इंस्टाग्राम को अपडेट कर देंगे तो करना क्या है, उसके बाद एक चीज़ और आपको करना है, क्या है, यहाँ पे सेटिंग को ओपन कर लेना। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ अपने। जैसे सेटिंग को ओपन कर लूँगा तो देख सकते हो गाइस इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद करना क्या है, यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते जाना है। जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वह सिंपली गूगल पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे गूगल पे क्लिक कर लेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग के सामने देखने के लिए मिलेगा। तो करना क्या है, यहाँ पे एड्स लिखा हुआ है, एड्स इस पर क्या करना, क्लिक करना है। जैसे एड्स पे क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे रिसेट एडवर्सिंग आई डी पे क्लिक कर लेंगे जैसे, तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। उसके बाद करना क्या, यहाँ पे कन्फर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ऐसे दो तीन बार क्या करेंगे, इसे रिसेट एडवर्सिंग आई डी को रिसेट कर देंगे। क्योंकि इतना करने के बाद करना क्या है, बैक आना है। बैक आने के बाद देंगे इंस्टाग्राम पर, जैसे क्लिक किए रहेंगे तो यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे देता है ए पिन फो। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्लिक किए रहेंगे तो यहाँ पे देख सकते होंगे लिखा हुआ है ए पिन फो, इस पे ए पिन फो पे क्या करना, क्लिक कर लेना है। जैसे ए पिन फो पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते होंगे यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हमको करना क्या है, यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा लिखा हुआ है, क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके और यहाँ पे क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे जैसे क्लियर ऑल डाटा पर क्लिक करके और यहाँ पे क्या करना, ओके पर क्लिक कर देना है। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग के सामने आ जाएगा। तो करना क्या है गाइस, यहाँ पे देख सकते होंगे जब क्लियर डाटा कर देंगे तो यहाँ पे बैक आएंगे। बैक आने के बाद यहाँ पे फिर इंस्टाग्राम को ओपन करना है। जैसे इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे तो अपना आईडी जो था वो लॉगिन कर देना है। जब जैसे ही आईडी लॉगिन कर देंगे तो आपका चैट जो है पूरा आपके सामने देखने को मिल जाएगा, यानी कि आपका पूरा चैट आ जाएगा। तो गाइस, मैं क्या करता हूँ अपने इंस्टाग्राम को जो है लॉगिन करके और यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो गाइस, मैं इंस्टाग्राम को जो है लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हूँ गाइस, यहाँ पे चैट वाले ऑप्शन पे ऊपर जाता हूँ और दिखा देता हूँ। जैसे चैट वाले ऑप्शन पे जाएंगे देख सकते हूँ गाइस, मैं तो गाइस देख सकते हूँ कि इस आईडी से मैंने दूसरे अपने आईडी पे क्या क्या एसएमएस किया था तो दिख नहीं रहा था, तो अब क्या हो गया, यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि मैं जो चैट किया था यहाँ पे दिख रहा है, या आप भी जितना चैट किए होंगे चैट आ जाएगा। तो गाइस, जिस प्रकार इंस्टाग्राम का चैट प्रॉब्लम का सलूशन कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो हमारी आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।